नमस्कार सभी भाइयों को, भाइयों मैं संदीप शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक के चारों इंडिकेटर एक साथ कैसे चला सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस दो वायरों के कनेक्शन आपस में करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हमारा वाइजर होता है इसके अंदर 10 नंबर के दो नट लगे होते हैं, इनको हम 10 नंबर के पन्ने से खोल सकते हैं। तो गाइस वीडियो लंबा ना इसलिए हमने इसको पहले ही खोल लिया है इन दोनों नटों को। और उसके बाद देखिए हम इस वाइजर को उतार लेते हैं। गाइस देखिए हमने इस वाइजर को उतार लिया है। तो गाइस हमने पहले ही इनको काफ़ी दिनों से रखा है, हमने सोचा क्यों ना हमारे व्यूवर के लिए हम एक वीडियो बना दें जिससे सबको आसानी हो जाए। तो गाइस देखिए जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड के दो इंडिकेटर हैं इनकी एक एक वायर तो अर्थ की होती है और एक एक करंट की होती है। अर्थ वाली वायर को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जो हमारी ये करंट वाली वायर है लेफ्ट साइड और जो ये करंट वाली है राइट साइड, बस इन दोनों वायरों में कनेक्शन करने हैं। तो गाइस इसके लिए हम देखिए एक साइड से इसको खोलकर इस वायर में एक वायर और साथ एक्स्ट्रा लगा देंगे राइट साइड, और जो ये लेफ्ट साइड है इसका करंट है इंडिकेटर का, और इसके साथ भी एक और वायर एक्स्ट्रा अटैच कर देंगे। देखिए हमने इस तरह इन वायरों को अटैच कर दिया है। इन वायरों को अटैच करने के बाद देखिए गाइस इसके बाद हम इन वायरों को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए गाइस हम यहाँ इनको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं गाइस, और इसके बाद हम इन दोनों वायरों में एक स्विच लगाएंगे। स्विच का गाइस ये फायदा, अगर हमको गाइस एक साइड के इंडिकेटर चलाने हैं तो हम एक साइड के इंडिकेटर भी चला सकते हैं, और अगर दोनों साइड के चलाना चाहे तो हम स्विच को ऑन कर दोनों साइड के इंडिकेटर भी चला सकते हैं। तो गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए हम स्विच में दूसरी बार भी लगा देते हैं। देखिए गाइस हमने स्विच में दूसरी बार भी लगा दिया। अब स्विच को मैं ऑफ कर देता हूँ गाइस, पहले मैं आपको एक इंडिकेटर चला कर दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए हमें ऐसे वाइजर को बंद नहीं करेंगे, आपको पहले एक बार चला। तो गाइस देखिए हमने इस वाइजर को वैसे टेम्परेरी बंद किया है, तो इसके बाद हम इस बाइक के स्विच को ऑन करते हैं। देखिए जैसे ही हम बाइक के स्विच को ऑन करेंगे तो गाइस देखिए हमें सबसे पहले जो हमारे ये साइड ये इंडिकेटरों का बटन है, देखिए लेफ्ट और राइट, अगर हम इसको ऐसे लेफ्ट की तरफ करेंगे तो हमारे एक साइड के इंडिकेटर चलेंगे गाइस, अगर हम इसको राइट साइड करेंगे तो राइट साइड के इंडिकेटर चलेंगे। हम यहाँ से किसी भी तरह राइट या लेफ्ट साइड कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद देखिए जो हमने ये स्विच लगाया था, ये स्विच लगाया था गाइस, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए गाइस हमारे दोनों साइड के इंडिकेटर चलने लगेंगे। देखिए आगे वाले भी और पीछे, तो देखिए गाइस चारों इंडिकेटर हमारे एक साथ चल रहे हैं। इसमें गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ना ही किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप 150-200 रुपये देंगे इस चीज़ के, बिल्कुल आसान काम, आप अपने घर पर आसानी से भी कर सकते हैं। तो गाइस सब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी बाइक बिल्कुल नई है तो उसमें छोटा फ्लशर होता है जो कि इनको ब्लिंकिंग करता है, तो आपको उसके लिए फ्लशर भी चेंज करना पड़ सकता है। कई बाइकों में ज़रूरत नहीं होती, और जैसे ये स्प्लेंडर बाइक है जब हमने किया था तो इसका फ्लैशर छोटा था, हमने नया फ्लैशर लगाया गया। बेस्ट ये रहेगा कि आप ट्रैक्टर का फ्लैशर लगाइए, हमने भी 6-7 साल हो गए हैं इसमें लगाए हुए, तो दोबारा कभी फ्लैशर ख़राब नहीं हुआ, ना ही ट्रैक्टर का फ्लैशर लोड मानता है। वैसे भी 110 या 20 रुपये की रेंज में आपको फ्लैशर मिल जाएगा। अगर आप इसका भी फ्लैशर बाहर से लोगे वो भी 70-80 रुपये में पड़ेगा, ना ये ज़्यादा दिन टिक पाएगा। तो गाइस बेस्ट यही रहेगा कि आप ट्रैक्टर का फ्लैशर लगाएं। तो गाइस देखिए जो हमने ये स्विच लगाया है वायर के प्रोटेक्शन के लिए, हमें इलेक्ट्रिशियन शॉप पे से ये स्लीव मिल जाएगी, 4 नंबर स्लीव है ये, 3 या 4 रुपये की मिल जाएगी, जिससे कि हमारी वायर कहीं अर्थिंग ना करे और ना ही शॉर्ट सर्किट हो। देखिए इसमें हम आपको थोड़ा इस स्लीव को लगा लेंगे, हम बाद में लगा लेंगे कोई नहीं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस देखिए इस स्विच को हमें ऐसे नीचे की तरफ से निकाल कर हमने इसको ऊपर की तरफ से निकाला है, आप इस स्विच को नीचे की तरफ से लगाइए और ऊपर इसे ना इसके ऊपर दो नट होते हैं इनको कस दीजिए। अगर आपको वन वे इंडिकेटर चलाना है परली साइड का तो आप इस स्विच को बंद कर दीजिए, तो आपके इंडिकेटर एक साइड के ही चलेंगे, और अगर आपको चारों एक साथ चलाने हैं तो आप स्विच को ऑन कर दीजिए।
तो ऐसे आपके चारों इंडिकेटर जलने लगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।